किसानों का इस वक्त दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर प्रोटेस्ट चल रहा है और किस तरह के हालात हैं, सड़क इस वक्त बंद है, कब तक एक रास्ता खुलेगा, इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ एडिशनल डीसीपी रणविजय जी हैं। रणविजय जी, क्या हालात है अभी और रास्ता बंद कर दिया गया दिल्ली का? कुछ किसान आए हैं यहाँ पे और इनका कुछ डिमांड है, उस डिमांड के बारे में हम लोग इनसे वार्ता कर रहे हैं। बहरहाल उन्होंने यहाँ पे ट्रैफिक डाइवर्ट करा दिया है और ट्रैफिक डाइवर्ट कराने का लॉजिक ये था कि किसी को इनकन्वीनियंस ना हो, तो यहाँ पे एम्पल स्कोप है, किसी को इनकन्वीनियंस नहीं हो रहा है। और अभी इन लोगों से वार्ता करते हैं किन मुद्दों पर यहाँ पे पहुँचे हैं, और ये चीज़ बड़ा स्पष्ट कर दिया गया है कि कोई भी ऐसा कदम न लिया जाए जो जिससे कानून व्यवस्था प्रभावित हो, और अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो हम लोग उसमें नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। तकरीबन कितने लोगों की गैदरिंग होगी और किस तरह के पुलिस का इन्वॉल्व? 100 के आसपास लोग हैं, 100 के आसपास लोग हैं। अच्छा, आपकी इनके नेताओं से कोई बात हुई, कब तक इनका इरादे का दिल्ली कूच करने की? देखिए, इन लोगों ने ये कहा है कि अभी हम यहीं खड़ा रहेंगे, अभी तक तो ये कहा है इन लोगों ने, और हम देखते हैं उसके बाद कि बाकी उसके बाद क्या कहना है उनका, उसके हिसाब से हम तैयारी करेंगे। जी बिल्कुल, देखिए ये रणविजय जी हैं, जिन्होंने कहा कि नोएडा पुलिस पूरी तरह से तैयार है और उनको साफ कर दिया गया है कि किसी भी तरीके की ऐसी कोई कार्रवाई ना करें जिसके बाद पुलिस को भी कोई एक्शन लेना पड़े और शांतिपूर्ण तरीके से अपने प्रोटेस्ट करके यहाँ से लोग चले जाएँ। कैमरा साहिल के साथ में मल कौशिक, न्यूज 24 दिल्ली नोएडा बॉर्डर।